तो गाइस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, तो ये जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, ये मुझे 40,000 का लोन ऑफर कर रहा है और बस मैं इसको एक क्लिक में अपने बैंक अकाउंट में इसको मैं ले सकता हूं। मतलब यहां पर जो देख सकते हो विड्रॉल टू बैंक का ऑप्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे मैं विड्रॉल टू बैंक वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये जो 40,000 अमाउंट है ये मेरे अकाउंट में अभी जस्ट आ ही जाएगा। तो गाइस ये जो मैं कैसे इसको लोन अप्लाई किया हूँ, ये कौन सा एप्लीकेशन है गाइस, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, इसमें नहीं आपको अपना कोई सिविल स्कोर देना है, ना आपको कोई अपना इनकम प्रूफ देना है गाइस, आपको कुछ भी नहीं देना है, बस आपको आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। आसानी तरीके से आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर इससे ज़्यादा का भी ले सकते हो या इतना का भी ले सकते हो, इससे कम का भी आपको लोन ऑफर कर सकता है। तो इस मतलब गाइस यहाँ से आप आसानी तरीके से आप यहाँ से 110% आप इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हो गाइस। तो ये जो लोन एप्लीकेशन है गाइस, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस अब हम बताते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप इसमें लोन ले सकते हो गाइस। मैं आपको लाइव प्रूफ फिर से मैं आपको लोन लेकर यहाँ से दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो फिर आपके सामने यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इंटर मोबाइल नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इस एप्लीकेशन को मतलब ओपन कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना इंटर कर लोगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा। तो चलेगा जहाँ पर यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP फिलअप करके फिर उसके आए आपको स्टेप बताते हैं। जैसे आप अपना वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के इस एप्लीकेशन को लॉग इन करोगे तो इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे आपको एक लोन्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं जीप EMI लोन्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आपको लोन्स वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन का जो चेकबॉक्स वाला जो ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करके नीचे आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो इसलिए हम गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइस, इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से परमिशन दे देना है, जैसे कि इनका लोकेशन का, कस्टमर मतलब कॉन्टेक्ट का, SMS का, ये सब आपको यहाँ से लोकेशन दे देना है। तो आपको यहाँ से अलाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको सभी को यहाँ से परमिशन दे देना है। जैसे आप यहाँ से सभी को परमिशन दे देते हो, उसके यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट योर KYC, मतलब आपको यहाँ से अपना KYC कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है गाइस। तो आपको प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू KYC वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद फिर से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइस यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल के फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके आगे आपको स्टेप बताते हैं। जैसे आप वहाँ से अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वहाँ से अपना इंटर कर देते हो, उसके बाद फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ये दोनों अपना यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर कंटिन्यू कर लेना है। तो चलेगा जब हम यहाँ से ये दोनों यहाँ से फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो सेम आपको भी इसी प्रकार से यहाँ से कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया और चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर भी मैं यहाँ से क्लिक कर दिया हूँ। जैसे आप भी इसी प्रकार से ये सब कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो चलेगा जब हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। जो यहाँ देख रहे हैं प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा था, आपको भी सेम इसी प्रकार से थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेना। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। जैसे वहाँ से आप थोड़ा देर वेट कर लोगे फिर उसके बाद आपके सामने इस टाइप इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं योर आधार नंबर और इंटर सेंचुरी कोड मतलब मांग रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर ऊपर डाल देना और यहाँ पर जो इंटर सेंचुरी कोड जो मांग रहेगा, तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपके यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होगा गाइस वही आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ये दोनों यहाँ पे फिलअप कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ से सीधा नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। गाइस जैसे आप वहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपके जो आधार कार्ड का जो नंबर होगा गाइस, जिससे आपका आधार कार्ड लिंक होगा, उस नंबर पे आपको OTP गया होगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो गाइस चलिए हम यहाँ से अपना OTP डाल के वेरीफाई वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे वहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फिर से आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस हम फिर से अपना यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं, फिर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे वहाँ से अपना वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अपना पैन कार्ड नंबर डाल के, उसका नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टेक ए सेल्फी का ऑप्शन आ गया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है। तो सेल्फी अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो देख सकते हो। तो आपके अपने मतलब आई पर कोई भी ग्लास नहीं पहनना है, आपके जो पीछे गाइस है जो वाइट बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए, और यही सब आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आपको जो फेस पर होना चाहिए गाइस, आपके फेस पर रोशनी भी होना चाहिए, आपको अपना आँख खोल के यहाँ से सेल्फी दे देना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर सेल्फी अपना एक अपलोड कर देते हैं।
जैसे हम वहाँ से सेल्फी अपलोड किया उसका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाएगा, एक सैलरीड एक सेल्फ एम्प्लॉयड गाइज। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर भी क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर ले तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर फादर्स नेम, आपको अपना मतलब पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना पर्सनल ई मेल आई डी यहाँ पर डाल देना, जो भी आप ई मेल आई डी यूज करते हो वो आपको ई मेल आई डी डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ से सीधा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिएगा हम यहाँ से ये सब फिलअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। गाइस जैसे मैं वहाँ से वो सब फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन मुझे 40,000 का लोन ऑफर कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, ये जो लोन एप्लीकेशन मुझे 40,000 का लोन ऑफर कर रहा है। तो आपके सामने भी आपको जितना का भी ऑफर करेगा, 50,000, 60,000 का, 10,000 का, 15,000, जितना का भी अगर आपको लोन ऑफर करता है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो टिक वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें टिक लगा के फिर आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ से आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, उसके बाद आपको अपना आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल देना है। तो ये दोनों जैसे आप यहाँ से इंटर कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ से नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलेगा हम ये दोनों अपने यहाँ से फिलअप कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं वहाँ से अपना वो सब फिलअप किया हूँ उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है मतलब विथ नेट बैंकिंग आई, मतलब जो आप अगर आप जैसे लोन लेते हो गाइज तो वो आपका ऑटोमेटिक आपके बैंक से मतलब लोन कटेगा। तो वो आप किस बैंक से अपना लोन मतलब जो भी आप बैंक जैसे लेते हो पर मंथ आपको मतलब जो पैसा जो कटेगा तो वो आपको किस बैंक से आपको कटवाना है तो वो अपना बैंक आपको यहाँ से अपना ऐड कर लेना है, जिस भी बैंक से आपको अपना पैसा मतलब उनको देना है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, जैसे वहाँ से अपना सेलेक्ट कर ले तो उसका यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे चार स्टेप में से मेरा यहाँ पे मतलब 3 स्टेप यहाँ से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब लास्ट मेरा बच चुका है लोन एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस गाइज, तो मेरा तो गाइज ये मेरा जो अभी प्रोग्रेस ले रहा है 40,000 का जो लोन मैं लिया हूँ गाइज, तो यहाँ पे टाइम भी लिख रहा है गाइज। तो थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जैसे थोड़ा देर आप वेट करोगे उसका देख सकते हो कि 40,000 लोन आपका यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल टू बैंक का ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल गया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 40,000 का लोन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जो जैसे मैं विड्रॉल टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मुझे 40,000 का लोन मिल जाएगा। चलेगा हम विड्रॉल टू बैंक वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं विड्रॉल टू बैंक वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो आ चुका है, यहाँ पर जो देख सकते हैं मैं कम से कम यहाँ पे 9,900 रुपया ले सकता हूँ, और मतलब ज़्यादा ज़्यादा मैं 36,110 लगभग मैं 40,000 का लोन ले रहा हूँ गाइस। गाइस यहाँ पर जो मैं 40,000 का लोन लेता हूँ गाइस तो यहाँ मेरे अकाउंट में 36,110 ही रुपया आएगा। तो गाइस 36,110 रुपया कैसे आएगा मैं वो आपको वही बता देता हूँ। मैं तो 40,000 का लोन लिया था गाइस, इसी में आपका कट जाएगा GST इंटरेस्ट रेट जो होता है गाइस, जो भी प्रोसेसिंग फीस होता है सब कुछ आपका कट के आपके अकाउंट में 36,110 रुपया आपके अकाउंट में यहाँ से भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको कम भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 10,000 का, 20,000 का या मैं फुल भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं 9,900 से लेके मैं 36,110 तक का लोन ले सकता हूँ। तो अगर आपको लोन लेना है गाइस तो यहाँ से अपना सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में 10 से 15 मिनट में आपको लोन चला जाएगा। तो गाइस आप भी इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ले सकते हो। गाइस ये जो लोन एप्लीकेशन है गाइस इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इस लोन एप्लीकेशन को आसानी तरीके से इंस्टॉल करके इसको ओपन करके इसी प्रकार से आप लोन अप्लाई इसमें कर सकते हो, और आपको गाइस 110% आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं गाइस कि अगर इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको लोन नहीं मिलता है किसी भी कारण, आपका मतलब KYC करते हो तो वो आपका पेंडिंग हो जाता है, कुछ भी अगर रिजेक्ट मार देता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ लोन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन ट्राई कीजिएगा, जो वहां से आपको 110% आपको वहां से लोन मिल ही जाएगा। क्योंकि आज वहाँ से मैंने खुद लोन लिया है और गाइस मुझे भी वहाँ से लोन काफ़ी जल्दी मिल गया, और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग भी वहाँ से लोन लिए हैं, और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर लोग खुश भी हैं वहाँ से लोन लेकर। तो आप भी जाकर उस लोन एप्लीकेशन को ट्राई कीजिएगा जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप इसके अंदर लोन नहीं मिलता है तो। बस गाइस आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।